भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब में आगाज से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान उनका अलग ही लुक सामने आया। दरअसल श्री हरमिंदर साहिब पहुंचने से पहले राहुल अमृतसर के होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे, जहां कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें सिखों की तरह केसरिया पगड़ी पहना दी, जिसके बाद कांग्रेस सांसद दूसरे नेताओं के साथ श्री हरमिंदर साहिब पहुंचे और पीछे बैठकर गुरबानी का कीर्तन सुना। इस दौरान राहुल अकाल तख्त साहिब के अंदर नहीं गए। हरमिंदर साहिब से निकलने के बाद उनका दुगियाना तीर्थ भी जाने का प्लान था, लेकिन वे वहां नहीं गए। दिल्ली में सर्दी के सितम के बीच हवा भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 10 जनवरी 2023 को दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 418 लेवल तक पहुंच गया। इससे पहले सोमवार 9 जनवरी को दिल्ली में AQI शाम 4 बजे 434 के लेवल पर थी। रविवार 8 जनवरी को इसे 371 पर दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 6 साल का दिव्यांग बच्चा 40 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया है। NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है और उसने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बच्चे को बचाने के लिए बोरवेल में ऑक्सीजन छोड़ी जा रही है। 6 साल का माविया दोपहर 12 बजे खेलते खेलते खुले बोरवेल में गिर गया। प्रशासन और NDRF के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए भी चुनौती बन गया है क्योंकि ये बच्चा न बोल सकता है और न सुन सकता है, बस उसके रोने की आवाज बाहर सुनाई दे रही है। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली का वनडे क्रिकेट में जादू फिर से देखने को मिल रहा है, जहां उनके बल्ले से बैक टू बैक शतक निकले हैं। पिछले ही महीने बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़ने वाले विराट ने अब श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में भी शतक जड़ दिया है। 80 गेंदों में आए शतक के साथ विराट ने महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब तक सचिन के नाम भारतीय सरजमीं पर 20 शतक जड़ने का रिकॉर्ड था और विराट ने उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। विराट के पास इस सीरीज में अपने आदर्श तेंदुलकर को पछाड़ने का मौका रहेगा। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन 10 जनवरी यानी मंगलवार को अपना बर्थडे मना रहे हैं। इस खास मौके पर एक्टर को हर तरफ से बधाई संदेश मिल रहे हैं। इस खास दिन पर ऋतिक को बधाई देने के लिए उनके फैंस भी कहां पीछे रहने वाले थे। एक्टर को विश करने के लिए उनके फैंस ऋतिक के घर पहुंच गए। घर के बाहर खड़े फैंस एक्टर की एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आए। ऋतिक ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और अपनी बालकनी से आकर फैंस को हाथ हिलाकर शुक्रिया कहा। एक्टर ने फैंस के साथ सेल्फी भी ली। अपने पसंदीदा कलाकार की एक झलक पाकर फैंस भी काफी खुश नजर आए और दूर से ही ऋतिक की तस्वीर लेते दिखे।